जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी, है सभी जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी में, हैरानी बीत जाए दिन, हैरानी में बीत जाए दिन, पल पल अंधेरे गए सारे सपने, सपने हो सके ना रुठ गए सारे सपने, सपने हो सके ना अपने, चाहो तो आओ हाथ बढ़ाओ, चाहो तो आओ हाथ बढ़ाओ, आज लो नई सुबह, निरक्षरता और अंधविश्वास की आड़ में आज भी हमारे देश के कितनी औरतों को डायन करार देकर उन्हें गांव से निकाल दिया जाता है, यहाँ तक कि कभी कभी उन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। नियनमला साक्षर थी, इसीलिए वो इस अन्याय का प्रतिवाद कर पाई। उसका साथ दिया था गांव का साक्षरता केंद्र और विज्ञान मंच के कुछ कर्मकर्ताओं ने और गांव के कुछ पढ़े लिखे समझदार लोगों ने। हमारे देश में निर्मला जैसी लड़कियों की कोई कमी नहीं है। कोई कैमरे के सामने आना पसंद करती है, कोई कैमरे के आड़ में रहना ज्यादा पसंद करती है। निर्मला उन्हीं में से एक है। ये लो एक और गया। निर्मला, ओ निर्मला, हम हैं सेठ माधव के यहाँ से आए हैं। तुम लोग फिर आ गए, क्या चाहते हो तुम लोग? माधव बाबू ने भेजा है, बोले निर्मला अपनी बेटी के साथ अकेली है, जा जरा देख कर तो आ कैसी है वो। और मालकिन गई है मायके, अब वो अकेले है। और माधव बाबू जी घर में अकेले डर लगता है। जरा भी लाज नहीं आती ऐसा बोलते? गांव पर मौत छाई हुई है, एक के बाद एक घरों में रोना धोना चल रहा है, और तुम? छी, ये सब तो बुरी आत्मा के काम है, हम लोग क्या करें? क्या बुरी आत्मा? हाँ, और का भूत प्रेत, लेकिन तू परेशान मत हो, झाड़ फूक करने वाले का यहाँ आदमी भेज दिया है, कल ही आ जाएगा। छोड़ तो ये सब बातें, तू अब हमारे साथ चल तो जरा। हाँ, वहाँ मालिक अकेले मन मारे बैठे हैं। ठहर तो जरा। अरे बाप रे! माँ, इतने दिनों बाद तूने मेरी ओर देखा माँ, अब शायद तू मेरी सारी आशाएं पूरी कर देगी। माँ, माता, माँ करुणामयी माँ, तू मेरी आखिरी इच्छा भी पूरी कर दे माँ, आखिरी इच्छा पूरी कर दे। तूने तो अभी मेरी ओर देखा, थोड़ा और देख, देख, देखना। मुझे निर्मला की जमीन हथिया लेने दे माँ, तू चाहेगी माँ, माँ करुणा मई माँ मेरी, सब संभव है माँ, सब संभव है। वो बंजात औरत लिखना पढ़ना जानती है माँ, उसे तो मैं गांव से निकाल दूंगा। हाँ, गांव से निकाल दूंगा, लेकिन पहले मैं उसकी आस लगाए बैठा हूँ माँ, आस लगाए।
आस लगाए बैठा हूँ मैं, आस लगाए बैठा हूँ मैं, आस लगाए बैठा हूँ मैं। कौन है वहाँ? अजी, अजी हम लोग हैं मालिक। तो वहाँ खड़े खड़े चोरों की तरह क्या कर रहे थे? जी वो आपका गाना सुन रहा था, आपका नाच देख रहा था। चुप कर, गाना देख रहा था। मालिक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? क्या है? कोई कोई आ पहुंचा है। कहाँ है, कहाँ रखा है? ए बुला के ला, बाहर क्यों अंदर ले आ, मैं तेरा कुर्ता पहन के आता हूँ। हाँ मालिक वो नहीं। फिर कौन है? जी सतीश ओझा, जिसको आपने यहाँ बुलाया था। बुला सतीश को, बुला। माँ फिर नजरे उठाकर देख, माँ फिर नजरे उठाकर देख। पतंझड़ा पतंझड़ा, आज पूरा खत्म, तुरंत बाहर निकाल जा, 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 पतंझड़ा पतंझड़ा, आज पूरा खत्म, तुरंत बाहर निकाल जा, 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 जा। मालिक, मालिक, मेरा पहला काम अब खत्म। इस गांव के सभी दैतदानों, दैत पिशाच सभी से बचने के लिए इस जगह को मैंने पूरे गांव को बांध दिया है। भाइये भाइये, अब मुझे क्या करना होगा? मुझे लगता है बाहर का कोई नहीं, इसी गांव की कोई बेचैन आत्मा हमारे शुभ काम में बाधा डाल रही है। अरे बुढ़िया, मत बाहर निकल। आप सब लोग शांत हो, आप सभी जानते हैं कि आज हमारे गांव के ऊपर कितना बुरा वक्त आ पड़ा है। एक काली खतरनाक छाया हमारे इस गांव पर मंडरा रही है। हमारे ऐ बच्चा चुप कर, हमारे गांव में बड़े छोटे जवान मर्द सबकी एक एक करके अकाल मृत्यु हो रही है। ऐ चुप कर। और एक बड़ी विपत्ति ये है कि हमारे ही गांव के कुछ लोग दो चार पन्ना लिखना पढ़ना सीखकर हमें उल्टे पुल्टे रास्ते पर ले जा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर हमारे प्रियजन, हमारे बच्चे लोग, शिशु लोग फटाफट मरते जा रहे हैं। अरे बेटा चुप कर, बाहर में जा। हाँ मैं जो कह रहा था, गांव में और भी बच्चे मारे जाएंगे। हाँ मुझे बताया है, मैंने इसीलिए बहुत खुशामद करके सतीश ओझा को यहाँ बुलवाया है। ये सतीश कह रहा है कि इस गांव के ऊपर एक डायन का प्रभाव पड़ा है। मैं उससे विनती करूंगा कि वो डायन कौन है हमें जरा तंत्र मंत्र द्वारा बता दे। नहीं, इतने उतावले मत हो। एक बात याद रखिए, वो डायन होने पर भी। अरे बाप रे मालिक, तब तो थाना पुलिस होगा, पंचायत पहुंच जावेला। चुप कर। हाँ जो मैं कह रहा था कि उसे हम लोग इस गांव से ही। इतने जोश में मत आए। ठीक है, मैं तो सतीश को ले आया हूँ, अब सतीश ये बताएंगे कि क्या करना ठीक है। नहीं नहीं, उसे मारने की जरूरत नहीं, वरना उसकी प्रेतात्मा इस गांव में घूमेगी। उसे निकाल देने से, माने गांव से भगा देने पर उसकी पूरी नजर इस गांव पर नहीं पड़ेगी। इंक्रीन शॉट।
देखिए, इसके ऊपर एक छेद है, इसके ऊपर एक छेद है, देखिए, ये मैंने उल्टा दिया, पानी गिर रहा, नहीं गिर रहा, नहीं गिर रहा, मुझे लगता है, इस गांव की ही कोई एक दान इस डिब्बे में बंद है, मैं मंत्र बल से उसे देख रहा हूँ, वो जो है, जो भी है, नहीं जानता मैं, वो एक विधवा है। माधव बाबू, गांव की सारी विधवाओं के नाम एक एक कर बताएं। हरिमती, दरीना बीबी, अंगूर बाला, इंदुमती, निर्मला, है निर्मला, 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 ना 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 सतीश ना, नहीं नहीं नहीं, निर्मला डायन नहीं हो सकती, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो डायन है ये तुम सोच भी नहीं सकते। तुम जरा ठीक से देखो सतीश, माँ काली एक बार नजरे उठाकर देख, माँ एक बार नजरे उठाकर देख, ठीक से देखो सतीश, ठीक से देखो। माधव बाबू बोलिए, बोलिए, इस गांव की सभी विधवाओं के नाम एक बार फिर ठीक से बोलिए। हाँ हाँ, और एक बार अच्छी तरह देखिए, निर्मला बहुत बड़ी औरत है, दूसरों की विपदा में मदद करती है। इधर आ, तो इधर आ, मैं पढ़ाई लिखाई नहीं जानता। ए, तेरे से होगा? हाँ, मैंने साक्षरता की क्लास की है, चलिए देखें। नामे ई पर रेप ला, निर्मला, निर्मला लिखा है, निर्मला। निर्मला, निर्मला, निर्मला। देखिए, मैं कहता हूँ कि आप लोग जोश में मत आइए, आप लोग शांत होइए। आप जानते हैं कि वो डाइन है, लेकिन मैंने पहले ही तय किया था कि हम लोग उसे एक आखिरी मौका देंगे। नहीं नहीं मालिक, आग लगा ही दे। हाँ हाँ, लगा ही दे। है, लगा दे। अरे उसकी संपत्ति तो मेरी ही हो गई, आग लगाने से नुकसान तो मेरा ही होगा। जा, बहन की भाग तो नहीं गई, देख जा। मालिक, लगता है भाग गई है। हाँ, भाग गई। भाग गई। आज से हमारा गांव एकदम मुसीबत से बच गया है। हाँ माँ, तूने आखिर कृपा करी थी माँ। चलो अपने अपने घर चलो। माँ माँ, वो हमें यहाँ क्यों नहीं रहने देंगे? माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ देने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। माँ डाइन माने क्या है? माँ तुम्हें वो डाइन क्यों कह रहे हैं? माँ डाइन माने कुछ नहीं है बेटी, ये सब उन बदमाशों की हरकतें हैं। तो फिर हमारा क्या होगा? माँ कुछ नहीं होगा, चल हम साक्षरता केंद्र में जाए, वहाँ सुनीता दीदी है ना, जरूर कोई उपाय बता देगी। चल के घर 10-15 जने मिलके आग लगाने गए थे। 10-15? हाँ। अच्छा, तुम लोगों की। अरे निर्मला, आओ आओ बैठो, विशु ने मुझे सब बता दिया है। अब क्या होगा दीदी? ये क्या, तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम इतना क्यों घबराती हो? दरअसल
श्यामा के पिताजी के गुजर जाने के बाद उस बदमाश सेठ की नजर मेरी जमीन पर है। हर तरह से डराता है वो मुझे, धमकाता भी है। सिर्फ तुम लोग मेरे साथ हो इसलिए। ऐसी बातें क्यों कर रही हो निर्मला दीदी? हम लोग तो बस सहायता करते हैं, उपकार नहीं। इन अनुभवों से हम भी कुछ कम सीखते हैं क्या? दरअसल लाभ होता है हम दोनों का ही। ठीक है, तो फिर तय हुआ, कल सुबह बरगद के नीचे सबसे बात करेंगे। और विशु, तुम्हें विज्ञान मंच की ओर से जो कार्यक्रम करना है उसका इंतजाम कर लेना। दीदी, सच कह रही हो तुम? वो लोग अब और कुछ नहीं करेंगे? परेशान मत होना, तुम निश्चिंत रहो। और कुछ होने से हम लोग हैं ना। और फिर ये मत भूल जाना कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम साक्षर हो। निर्मला। ओ निर्मला। कौन है? हम लोग, मालिक ने भेजा है। अगर अकेले में तुम्हें डर लगे तो बेटी को लेकर उनके घर जा सकती हो। अब जाकर मेरा मन शांत हुआ है, समझा? मुझे लगता है माँ इच्छा मई ने मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी है रे, जो मेरे मन में थी है। अब सिर्फ रात बीतने का इंतजार है। आप कुछ चिंता मत कीजिए मालिक, कल रात जो मैंने सपना देखा था ना, क्या बताऊँ आपको? अरे मैंने भी आज सुबह सपना देखा है। हाँ, क्या देखा है बताना जल्दी। हाँ, मैंने साफ साफ देखा कि उस टाइन की झोपड़ी वीरान है और हम लोग वही खेती बाड़ी कर रहे हैं। अरे मैंने भी वही देखा, उस जमीन पर मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ। गड़गड़ गड़गड़। साफ साफ देखा मैं चला रहा हूँ। गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। नहीं 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 नहीं, मैं चल। आई, चुप कर। अब दिमाग ठंडा रख के काम करने का समय है, माथा ठंडा रख के काम करना होगा, समझा? निर्मला की बीच वाली जमीन पर कब से मेरी नजर थी। दत्त बाबू के सामने तक की जमीन मेरी रे, सिर्फ मेरी। जहां तक देखो सिर्फ मेरी जमीन, मेरी। माधव बाबू घर में है? कौन? ओ, आप हैं? आइए आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार। हमें गांव के लोगों से खबर मिली है कि आजकल आप बड़ी परेशानी में हैं। हाँ। और इस महामारी से बचाव के लिए पूजा अर्चना भी करा रहे हैं। हाँ। आप सुनकर खुश होंगे कि महामारी और फैलने से पहले हमने इसे नियंत्रित कर लिया है।
अच्छा वाह, आज हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं और विज्ञान मंच की तरफ से उस प्रोग्राम में आपको प्रधान अतिथि के रूप में आमंत्रित कर रहा हूँ। आपको जरूर ही आना होगा। जरूर 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 आऊंगा। जरूर आइएगा। जरूर। अच्छा तो चले। नमस्कार। शुक्रिया तो गजब की है। तो है मालिक। तो भाइयों, आप सब लोगों के सहयोग से पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच की ओर से प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमारा पहला खेल है खोपड़ी महाराज का धूम्रपान। खोपड़ी महाराज की जय। अब इसमें प्राण संचार हो गए हैं, अब ये धूम्रपान करेंगे। वो सचमुच सिगरेट पी रहा है। खोपड़ी महाराज की जय हो। जय खोपड़ी महाराज। जय खोपड़ी महाराज। जय। आप लोग जरूर जानते हैं, हम विज्ञान कर्मीगण आम लोगों को विज्ञान के बारे में जानकारी देने की कोशिश करते हैं। हमारा आज का ये कार्यक्रम एक विशेष घटना से संबंधित है। हमारे साथ इस इलाके की साक्षरता कर्मी सुनीता दीदी इस बारे में कुछ कहेंगी। आइए सुनीता दीदी। आप लोग सब जानते हैं कि हमारे गांव में किस तरह कई लोग मर गए हैं। कई लोग समझते हैं ये काम है भूत प्रेत का, लेकिन कोई प्रेत वेत नहीं है। आप लोगों की अज्ञानता और अशिक्षा की आड़ में कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ये काम है भूत प्रेत का, पर विश्वास करो, इसके पीछे कोई भूत प्रेत डायन या पिशाच नहीं है। ये तो एक खतरनाक बीमारी है जो पीने के पानी से होती है। घर घर जाकर विस्तार से सभी को समझा रही हूँ। अब तक आप विज्ञान मंच का खेल देखें, अब आपके सामने खेल दिखाएंगी हमारी निर्मला। आओ निर्मला। अतंझड़ा पातंझड़ा झाड़ दिया तेरा विष ठहर। 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 अतंझड़ा आप सब देखिए, इस झरने में एक छेद है, ठीक है? इसमें पिशाच मारने वाला पानी भरा है। इसके ढक्कन में एक छेद है, लेकिन मंत्र से ये जल नहीं गिरता। देख रहे हैं ना, पानी नहीं गिर रहा है। लेकिन इसमें तो कोई डायन नहीं, इसमें है एक मर्द। एक मर्द है, एक डायन। मैं उसे देख पा रही हूं। उसकी मूछें हैं। दीदी, आप एक एक करके मूछों वाले पुरुषों का नाम बताइए तो। माधव बाबू, आप ही बोलिए ना। मैं बोलूं? बोलिए। रामू, श्यामू, नीलमणि, तरुण, मदन। बोलिए।
सुबल। और बोलिए। पवन। बोलिए। माधव। फिर से बोलिए। बोलिए। माधव। आहिस्ता आहिस्ता, आप सब सुनिए, इसमें कोई भी मंत्र तंत्र नहीं है। सभी के पीछे एक विज्ञान संबंधी व्याख्या है, पर अगर हम इसको समझाने लगे तो फिर ये कार्यक्रम लंबा हो जाएगा। आज निर्मला ने यह साबित कर दिया है कि वो डायन नहीं है, क्योंकि वो साक्षर है और सचेत भी है। दीदी, मुझे भी कुछ कहना है। वो माधव बाबू मेरे पति की मौत के बाद से ही कितनी तरह से मेरी जमीन हथियाने की कोशिश कर रहे थे, पर मैं पढ़ी लिखी हूँ इसीलिए उसे नहीं हत्या सका। पर वही माधव बाबू अनपढ़ होने का मौका लेकर बहुत से लोगों का सर्वनाश किया है। चल चल, हटो हटो हटो, चल चल। क्यों क्यों तुमने मुझे बदनाम किया, बोलो क्यों? क्या मैं क्या करूं? मुझे बहुत पैसा दिया, कहा उस औरत की जमीन हथियानी है इसलिए उसे डायन बना दे तो मुझे और भी पैसे मिलेंगे। किसने तुम्हें पैसे दिए थे? वो, किसने, कहो। माधव बाबू। अरे माधव बाबू कहाँ गया? जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी है, सभी जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी में, हैरानी बीत जाए दिन, हैरानी में बीत जाए दिन, पल पल छी